हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वी आर लर्निंग टेंसेस एंड दिस इज वीडियो नंबर फाइव फॉर पास्ट इन डेफिनेट टेंस सो लेट अस स्टार्ट पास्ट इन डेफिनेट टेंस तो इसकी पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था ती थी या ते थे इत्यादि आए वो पास्ट इन डेफिनेट टेंस में आएंगे और इस टेंस में हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो पास्ट में हो चुका है सो देर आर सम एग्जाम्पल अस सी क्या तुम प्रातः सैर को गए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या तुम सुबह सैर को गए थे मैंने ठंडा पानी नहीं पिया हमने कहानी नहीं पढ़ी तो ये रूल नंबर वन यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। इट मींस जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे नंबर टू वी यूज़ डिट नाट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो जो नकारात्मक वाक्य होंगे उनमें डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा नंबर थ्री डिट इज़ यूज इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस विद इंटेरोगेटिव सेंटेंसिस तो जो प्रश्न पूछने वाले वाक्य होंगे उनमें डिड सबसे पहले लगाया जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा सो स्टूडेंट्स दीज आर समूज लेटस अप्लाई दैम अफर्मेटिव सेंटेंसेज जो पॉजिटिव सेंटेंसेज होंगे यानी कि सकारात्मक वाक्यों उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए उसके बाद बर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स तो इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे मैं स्कूल गया तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई वेंट टू स्कूल तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई बर्ब की सेकेंड फॉर्म बेंट प्लस अदर वर्ड्स टू स्कूल आई वेंट टू स्कूल इसी तरह मैंने उसे बाग में देखा या फिर मैंने उसे बाग में देखा था तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया आई देखने के लिए वर्ब है सी इसकी सेकेंड फॉर्म हो गई सा आई सॉ हिम इन द गार्डन इसी तरह माली ने एक सांप को पकड़ा द गार्डनर काउट अ स्नेक कैच काउट काउट तो सेकेंड फॉर्म ऑफ बर्व प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्नेक तो इसकी ट्रांसलेशन हुई द गार्डन काउट ए स्नेक उसने आम खरीदे थे ही बाउट मैंगोज अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज होगा उसके लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के बाद आप डिड नॉट लगाएंगे और फिर बर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा हमने कहानी नहीं पड़ी यहाँ पर सब्जेक्ट है हमने उसके बाद आएगा डिड नॉट उसके बाद पढ़ने के लिए है फॉर्म रीड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्टोरी तो यहाँ पर इसकी ट्रांसलेशन होगी वी डिड नॉट रीड द स्टोरी इसी तरह सिपाही ने चोर को नहीं पकड़ा द पोलिसमैन डिडंट कैच द थीप इसी तरह मेरे पिताजी तुम्हें नहीं जानते थे माई फादर डिडंट नो यू यहाँ पर फादर सब्जेक्ट है डिड नॉट उसके बाद आया प्लस बर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो और ऑब्जेक्ट आ गया यू इसी तरह मैं स्कूल नहीं गया था आई डिडेंट गो टू स्कूल इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा उन्हें हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे अब इसमें जो सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा डिड आपका पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स क्या मेरा मित्र सैर पर गया तो यहाँ पर डिड आएगा पहले प्लस सब्जेक्ट है माई फ्रेंड सो डिड माई फ्रेंड गो फॉर ए वॉक सेकेंड क्या राम ने फूल तोड़े तो यहाँ पर डिड पहले आएगा डिड राम प्लक फ्लावर्स तो प्लक बर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी तरह क्या उन्होंने तुमसे तुम्हारा पता पूछा था डिड दे आस्क योर एड्रेस तो स्टूडेंट्स ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नॉट भी यूज होगा इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर है पहले डिड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद नॉट फिर बर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्या तुम प्रातः सैर को नहीं गए तो यहाँ पर डिड आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू प्लस नॉट प्लस बर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड यू नॉट गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग इसी तरह क्या उन्होंने मैच नहीं जीता तो यहाँ पर डिड पहले आएगा उसके बाद उन्होंने के लिए है दे सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट सो डिड दे नॉट बिन द मैच पास्ट कंटिन्यूस टेंस तो इस टेंस में हम वाज और वर्ड का यूज भी सीखेंगे सो अस सी सबसे पहले इसकी पहचान पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आदि आए वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे और इसमें कार्य भूतकाल में भी जारी रहता है जैसे ये वाले सेंटेंसेस आप देखिए वह आराम कर रहा था ठंडी हवा चल रही थी क्या वे पाठ याद कर रहे थे क्या माली पौधों को पानी दे रहा था क्या गौरव तैर रहा था लड़के खेल नहीं रहे थे तो स्टूडेंट्स इन बाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आ रहा है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आएंगे तो लेटस्ट लर्न सम रूल्स हाउ टू ट्रांसलेट रूल नंबर वन जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे यानी कि सकारात्मक वाक्य जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा जैसे ही शी इट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है एक वचन संज्ञा उसके साथ वॉज लगेगा और बर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर एग्जाम्पल आई वॉज गोइंग टू बाजार रूल नंबर टू जैसे जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे बहुवचन कर्ता जो होंगे उसमें वर लगेगा वॉज़ नहीं लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा जैसे वी या दे या और भी हो सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल बीवर रनिंग ये आपका रूल के अनुसार बन गया देन जो नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे उसमें वॉज वर्ग के बाद नॉट लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा तो स्टूडेंट्स ये कुछ रूल हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो अब देखते हैं अफॉर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो अफॉर्मेटिव सेंटेंस आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य जैसे इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट के साथ आप वॉज वर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर कोई सेंटेंस आपका लंबा है तो जैसे ये वाला सेंटेंस है वह खाना बना रही थी तो इसमें सब्जेक्ट है वह और वॉज वर् उसके बाद लगेगा तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ आप वॉज़ लगाएंगे यदि प्लूरल होता तो आप वर लगाते और खाना बनाने के लिए वर्ब है कुक तो उसके साथ आईएनजी लगेगा कुकिंग बन जाएगा तो इसकी ट्रांसलेट होगी शी वॉज़ कुकिंग फूड तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस कोई फ्रेम करना है उसके लिए स्ट्रक्चर है आप यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे सिर्फ यहाँ पर वॉज वर्क के बाद आ जाएगा नॉट तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा नेगेटिव सेंटेंस के लिए जैसे यही सेंटेंस हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है वह खाना नहीं बना रही थी तो इसका नेगेटिव हो जाएगा वह खाना नहीं बना रही थी तो यहाँ वॉज़ के बाद नॉट आएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से तो आपकी ट्रांसलेशन हो जाएगी शी वॉज नॉट कुकिंग फूड तो यहाँ पर शी आपका आ गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है इसके साथ लगा वॉज और नेगेटिव uh, सेंटेंस है तो साथ में नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो इसी तरह इसको अगर आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है यानी कि प्रश्न पूछना है आपने प्रश्न पूछने वाला वाक्य बनाना है तो इसमें वॉज या वर आपका पहले आएगा सब्जेक्ट से उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद आप नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट तो अब इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना क्या वह खाना नहीं बना रही थी तो इसकी ट्रांसलेशन हुई वॉज शी नॉट कुकिंग फूड स्टूडेंट्स ये रूल्स फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था चुकी थी चुके थे या फिर लिया था दिया था इत्यादि आए वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो यहाँ पर परफेक्ट का मतलब है पूर्ण और इस टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है और अगर ये वाले आप सेंटेंसेस देखो जैसे वह खाना बना चुकी थी मैं उसे पहले मिल चुकी थी या फिर सूर्य छिपने से पहले हम नदी पार कर चुके थे इन तीनों ही सेंटेंस में यहाँ पर चुकी थी या फिर चुके थे आ रहा है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे अब इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करना है उसके लिए कुछ एक रूल्स हैं जिनको पढ़ लेते हैं रूल नंबर वन जो पॉजिटिव सेंटेंस होंगे जिसको आप सकारात्मक वाक्य कहते हो उसमें हैड के साथ बर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स एक चीज आप याद रखें कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो इस टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करेंगे और बर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे जो आपके नेगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें आप हैड के बाद नॉट लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे प्रश्न पूछने वाले वाक्य उसमें आपका हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी और वाक्य के अंत में आप क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे साइन ऑफ इंटरोगेसन तो ये कुछ एक रूल्स हैं अगला रूल भी देख लेते हैं जब हम भूतकाल में घटी दो घटनाओं के बारे में बताते हैं तो जो घटना पहले घटी हो उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस और जो घटना बाद में घटी हो वहाँ पर आप पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करेंगे एक बार मैं फिर से इसको बताता हूँ कि जब आप दो घटनाओं के बारे में एक सेंटेंस में इकट्ठा बताना चाहेंगे तो जो पहले घटना घटी होगी उसको आप पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो घटना बाद में घटी होगी उसे आप पास्ट इन डेफिनेट टेंस में लिखेंगे इसके रूल मैं आपको पहले बता चुका हूँ पास्ट इन डेफिनेट के तो जैसा आपको ये वाला सेंटेंस दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था अब रोगी कब मरा डॉक्टर के आने से पहले तो पहले घटना घटी रोगी का मरना और डॉक्टर आया बाद में तो ये वाला जो पार्ट है इस सेंटेंस का पेशेंट हैड डाइड ये आपका आएगा पास्ट परफेक्टेंस में और अगला जो भाग है इसका द डॉक्टर केम ये आपका आएगा पास्ट इन टेंस में क्योंकि पास्ट इन डेफिनेट टेंस में आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हो तो ये थे कुछ एक रूल्स अब देखते हैं इन रूल्स को अप्लाई करके तो जैसे आपका जो अफॉर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी कि सकारात्मक वाक्य उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये वाला रहेगा सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए उसके बाद हैड फिर verb की थर्ड फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर जो भी अदर वर्ड्स होंगे वो आप यूज़ करेंगे तो ये बहुत सिंपल टेंस है आपने सब्जेक्ट के साथ हैड लगाया वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लस सब्जेक्ट लगाया और आपका सेंटेंस तैयार हो गया जैसे एग्जाम्पल ले लो वह खाना बना चुकी थी तो इसमें सब्जेक्ट है शी तो इसकी ट्रांसलेशन होगी शी हैड प्रिपेयर द फूड प्रिपेयर प्रिपेयर्ड प्रिपेयर्ड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई तो ये आपका बहुत इजीली सेंटेंस फ्रेम हो गया इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस जो होंगे जिसमें आप नोट का यूज़ करेंगे तो ये और भी ज़्यादा सिंपल है इसमें हेड के तुरंत बाद आप नोट लगा दो तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा जैसे सब्जेक्ट के बाद हेड लगाया उसके बाद नॉट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो जैसे सेंटेंस देखते हैं सूर्य छिपने से पहले हम नदी पार नहीं कर चुके थे तो इसमें आप दो घटनाएं बता रहे हैं तो एक जो घटना पहले घट रही है उसको आप पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कीजिए बी हैड नॉट क्रॉस्ड द रिवर ये आपका आ गया पास्ट परफेक्ट में बिफोर द सनसेट ये आ गया आपका पास्ट इन डेफिनेट में तो इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंस भी फ्रेम कर सकते हो इजीली देन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें आप प्रश्न पूछेंगे उसमें स्ट्रक्चर होगा हैड आपका पहले आ जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट इसमें एक रूल सिंपल सा आप याद रखें सब्जेक्ट कोई भी हो आपका हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी अब इंटेरोगेटिव की बात है तो हैड पहले लग जाएगा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे ये वाला सेंटेंस है क्या मैं उसे पहले मिल चुकी थी तो यहाँ पर हैड आ गया आपका पहले उसके बाद सब्जेक्ट है मैं तो इसमें आएगा आई हैड आय उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मीट मेट मेट तो हैड आई मेट हिम बिफोर तो ये आपकी ट्रांसलेशन बहुत इजीली हो गई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा था से रही थी या से रहे थे इत्यादि शब्द आए और इसमें टाइम भी दे रखा होता है तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं मैं प्रातः से प्रार्थना कर रहा था हम पाँच बजे से दौड़ रहे थे वह चार घंटे से फल नहीं खा रहा था क्या अध्यापक चार दिनों से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे थे तो स्टूडेंट्स ये कुछ एक रूल्स हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो मैं आपको ये रूल्स सेंटेंस के ऊपर अप्लाई करके बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें टाइम भी मेंशन कर रखा होता है तो टाइम के लिए हम सिंस और for का यूज़ करेंगे इसके लिए रूल्स देख लेते हैं तो सबसे पहले यूज ऑफ सिंस तो यदि काम निश्चित समय से हो रहा हो तो वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे इसको मैं आपको सरल भाषा में कहूँ तो जहाँ पर टाइम निश्चित होगा पक्का समय होगा वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे जैसे सिंस संडे बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बताया जा रहा है कि रविवार से या फिर सिंस मॉर्निंग सुबह से या सिंस इवनिंग या सिंस नून या फिर सिंस चाइल्डहुड अगर जो लाइफ की स्टेजेस है वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे सिंस चाइल्डहुड सिंस एडल्टहुड तो इसी तरह एग्जैक्ट ईयर है कोई जैसे सिंस 1945 या एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो सिंस सेवन ओ तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे और जहाँ पर टाइम निश्चित नहीं होगा वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम मतलब जो टाइम इनडेफिनिट हो अनिश्चित समय हो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे जैसे फॉर टू आवर्स अब पता नहीं कौन से दो घंटे फॉर मैनी डेज़ कई दिनों से तो यहाँ पर भी समय निश्चित नहीं है यहाँ पर फॉर लगाएंगे इसी तरह फॉर टेन ईयर्स या फॉर ए वीक तो ये सारा जो टाइम है ये इनडेफिनिट टाइम है और यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे अब आइए देखते हैं कुछ एक सेंटेंसेस और उसके ऊपर करते हैं ये रूल्स अप्लाई तो सबसे पहले अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस जो सकारात्मक वाक्य होंगे जिनको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लो पहले सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ आप हैड बीन का यूज़ करेंगे उसके बाद बर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर समय के लिए आपने देखना है कि सिंस यूज़ करना है या फॉर यूज़ करना है यदि टाइम डेफिनेट हुआ तो सिंस अगर टाइम इनडेफिनेट हुआ तो फॉर और उसके बाद टाइम आप मेंशन कर देंगे तो स्टूडेंट्स ये था सेंटेंस स्ट्रक्चर अब देखते हैं एग्जांपल जैसे वह प्रातः से खेल रहा था अब यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और इसके साथ लगेगा हैड बीन और खेलने के लिए प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी प्लेइंग सो ही हैड बीन प्लेइंग और टाइम आपका है मॉर्निंग जो कि डेफिनेट टाइम है तो इसके साथ आप लगाएंगे सिंस ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग इसी तरह सेकंड सेंटेंस मैं पाँच वर्ष से इस शहर में रह रहा था तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और साथ में आएगा हैड बीन मैंने पहले आपको बताया कि सब्जेक्ट कोई भी हो बहुत सिंपल टेंस है उसमें हम हैड बीन का ही यूज़ करेंगे जैसे आई हैड बीन अब रहने के लिए वर्ब की फॉर्म है लिव और उसके साथ आई एन जी लगेगा लिविंग और पाँच वर्ष से तो ये इनडेफिनेट टाइम है एग्जैक्ट समय नहीं दे रखा है तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे तो सेंटेंस की ट्रांसलेशन हुई आई हैड बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर फाइव ईयर्स बहुत सिंपल सेंटेंस है इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए बे एक सप्ताह से नाटक खेल रहे थे अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे अब दे प्लूरल है अब प्लूरल हो सिंगुलर हो आपने हैड ही लगाना है साथ में सो दे हैड बीन स्टेजिंग अ प्ले अब एक सप्ताह से अब यहां पर टाइम निश्चित नहीं है तो यहां पर हम फॉर का यूज करेंगे तो ट्रांसलेशन बनी दे हैड बीन स्टेजिंग प्ले फॉर अ वीक नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं पहले सब्जेक्ट लगाइए उसके बाद हैड नॉट और उसके बाद बीन याद रखिए आप इसको नोट कर लो कॉपी पेन लेकर कि हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई फिर टाइम के लिए सिंस और फॉर और बाद में आप टाइम मेंशन करेंगे एग्जांपल देखते हैं पहले वे सुबह से बातें नहीं कर रहे थे अब यहाँ पर सब्जेक्ट है दे और इसके साथ लगेगा हैड नॉट बीन सो दे हैड नॉट बीन अब सुबह से है तो ये डेफिनेट टाइम तो यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग और बातें करने के लिए है टॉक तो टॉक के साथ आई एन जी लगाएंगे तो बन जाएगा टॉकिंग सो दे हैड नॉट बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग तो देखो कितना इजीली आपका सेंटेंस फ्रेम हो गया इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं बे दोपहर से नहीं खेल रहे थे अब यहां पर सब्जेक्ट है दे हैड नॉट बीन उसके साथ लगेगा और खेलने के लिए बर्व की फॉर्म हो गई प्ले और एग्जैक्ट टाइम है दोपहर तो इसके साथ लगेगा सिंस तो दे हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस नून सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग तो जो डेफिनेट टाइम होगा उसके साथ आप सिंस लगाएंगे इसके बाद एक और एग्जाम्पल वह कई दिनों से टेम्पल नहीं जा रहा था तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैड नॉट बीन गोइंग टू टेम्पल फॉर मैनी डेज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज जिसमें आप प्रश्न पूछेंगे हैड पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आप लगाएंगे उसके बाद बीन फिर बर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर सिंस और फॉर टाइम के लिए और बाद में आप करेंगे मेंशन टाइम तो ये है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें हैड पहले आएगा जैसे एग्जाम्पल क्या सुरेश सुबह से पढ़ रहा था तो यहाँ पर सब्जेक्ट है सुरेश और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हैड पहले आएगा तो यहाँ पर सेंटेंस बना हैड सुरेश बीन पढ़ने के लिए है स्टडी और इसके साथ आईएनजी लगा तो स्टडिंग बन गया और टाइम बिल्कुल डेफिनेट है सिंस मॉर्निंग आएगा साथ में तो ट्रांसलेशन हुई हैड सुरेश बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग एक और सेंटेंस देखते हैं क्या बच्चा आधे घंटे से रो रहा था अब कौन सा आधा घंटा ये क्लियर नहीं है चीज़ तो इनडेफिनेट टाइम हुआ तो यहाँ पर फॉर लगेगा अब हैड पहले आएगा और बच्चे के लिए है चाइल्ड वर्ड हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग फॉर हाफ एन आवर तो ये आपकी ट्रांसलेशन हुई इसी तरह एक और सेंटेंस क्या लड़के चार दिन से पेड़ नहीं लगा रहे थे तो यहाँ पर हैड पहले आएगा और लड़के के लिए आ गया बॉयज़ तो हैड द बॉय इज नॉट पिन प्लांटिंग द ट्रीज फॉर फोर डेज तो ये इसकी ट्रांसलेशन होगी अब फोर डेज इन डेफिनेट टाइम है तो इसके साथ फॉर आएगा तो स्टूडेंट्स ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको और बताता हूँ कि यदि क्या पहले आ रहा है तो आप हैड पहले लगाएंगे लेकिन क्या या क्यों या जो भी प्रश्न पूछने वाले वर्ड सेंटेंस के बीच कहीं आते हैं तो वहां पर आप उसी वर्ड से स्टार्ट करेंगे जैसे ये एग्जांपल देखो फिर क्लियर हो जाएगा वाई हैड शी बीन ईटिंग फॉर टू आवर्स अब इस सेंटेंस की आप ट्रांसलेशन करो वह दो घंटे से क्यों खा रही तो यहां पर क्यों शब्द सेंटेंस के बीच में आ रहा है जब सेंटेंस के बीच में प्रश्न पूछने वाला वर्ड आए तो उसको हम हैड से पहले लगाएंगे जैसे ये वाला सेंटेंस है क्या सुरेश सुबह से पढ़ रहा था अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से पूछा जाता सुरेश सुबह से क्या पढ़ रहा था तो पहले वट आता वट हैड सुरेश बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो आई होप यू लाइक डिट